और कल की आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिरानी साहब जुड़ चुके हैं। इनके अलावा जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं बाजार में कैसा रहा आज का कारोबार। जरा फटाफट एक क्विक रिकैप मार्केट का, कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार में आज तेज बिकवाली देखने को मिली है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा फिसला, जबकि निफ्टी 90 अंक टूटकर 17,765 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में भी 125 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। चलिए अब रुख करते हैं हमारे खास मेहमान का। सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका एनालिसिस आज के मार्केट का, किस दिशा में हमारे मार्केट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओवरऑल हेल्थ कैसी लग रही है? गुड इवनिंग। सबसे बड़ी चीज कि मार्केट काफी वोलेटाइल है और वोलेटिलिटी अभी भी बरकरार रह सकती है। आप सभी जानते हैं कि अदानी समूह के कारण एक वोलेटिलिटी दिखी। अब बाजार की जो तीसरी तिमाही के नतीजे हैं वो भी थोड़े से धीमे दिख रहे हैं। मिड कैप्स में भी कहीं ना कहीं नतीजे निराश कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि नतीजों का प्रेशर भी बना हुआ है और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, नतीजे खराब आ रहे हैं, स्टॉक पिट रहे हैं। ओवरऑल वोलेटिलिटी का माहौल रहेगा। एक बार नतीजों का सीजन खत्म होता है उसके बाद रोड मैप देखेंगे ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। हालांकि बजट वगैरह तो काफी अच्छा रहा बट ये पॉजिटिविटी नहीं दे पा रही है फर्दर बाजार को। तो मैं मानता हूं कि अभी बाजार वोलेटाइल मोमेंट में ही रहेगा। और इस वोलेटिलिटी में कोई आप सजेस्ट करना चाहेंगे, कोई मिड का या कोई लॉन्ग टर्म के नजरिए के हिसाब से आपकी फेवरेट पिक हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मैं देना चाहूंगा टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स जो बेहतरीन टू व्हीलर कंपनी है जिसका टारगेट आपको लंबे समय के लिए 1350 का रखना है, 1350 का आय में मजबूत इजाफा 15% का तीसरे तिमाही में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा। मुनाफों में 22% से ज्यादा का इजाफा, सेल्स ग्रोथ 29% दिखा। तो मैं मानता हूं कि बहुत बेहतरीन बिजनेस है। न्यू ब्रांड इनकी जो है रोनिन, ये काफी बेहतरीन ट्रैक्शन बिल्ड करते हुए दिख रही है। मैनेजमेंट ये गाइड कर रहे हैं कि ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में वॉल्यूम्स 1,00,000 यूनिट से बढ़ के आएगा इस FY23 में। बहुत ही बेहतरीन केपेक्स हमारे सामने है 750 करोड़ का। तो मैं मानता हूं कि टीवीएस मोटर्स 1350 के लक्ष्य टारगेट के लिए जरूर खरीद सकते। तो टीवीएस है लॉन्ग टर्म पिक सिद्धार्थ जी की। एक पोजिशनल पिक भी बता दीजिए सर। देखिए, पोजिशनली मुझे और एक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का स्टोरी बहुत पसंद आ रहा है। वो उसके नतीजे ठीक ठाक नहीं थे पर मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत अच्छी थी और वो स्टॉक है टाइटन। टाइटन जिसका भाव 2456 का होगा, स्टॉप लॉस आपको रखना है 2265 का, पोजिशनली 2265 का, टारगेट आपको रखना है 2715 का। टाइटन वन ऑफ द फास्टेस्ट डिस्क्रिशनरी कंपनी, 3 साल का सीएजीआर ग्रोथ देखा जाए तो 20% का था। स्ट्रॉन्ग ज्वेलरी ग्रोथ 20% सीएजीआर नेक्स्ट 4 इयर्स का उम्मीद है। 2500 स्टोर, 3.2 मिलियन स्क्वायर फीट लाने की योजना है। तो मुझे लगता है कि ग्रोथ काफी मजबूत रह सकती है। मैनेजमेंट की गाइडेंस कॉन कॉल में अच्छी थी। टाइटन जिसका टारगेट आपको पोजिशनली 2715 का रखना है, स्टॉप लॉस 2265। ओके, तो फटाफट बता देते हैं, सिद्धार्थ जी ने दो पिक्स दी हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। टीवीएस मोटर्स 1057 का भाव, टारगेट आपको रखना है 1350, 12 से 15 महीने का नजरिया आपको रखना है। पोजिशनल पिक जो दी है सिद्धार्थ जी ने वो है टाइटन, 2456 के आसपास का भाव फिलहाल, टारगेट आपको रखना है 2715 और स्टॉप लॉस लगाना आपको नहीं भूलना है, 2265 है स्टॉप लॉस। तो ये रही सिद्धार्थ जी की लॉन्ग टर्म और पोजिशनल पिक। अब जरा कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं जो हमको अलग अलग जरियों से वो भेज रहे हैं, साथ ही साथ कुछ लाइव दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं सुशील जी के पास जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोलकाता से। सुशील जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सिद्धार्थ जी से अपना सवाल। सर मेरा 3 स्टॉक पे सवाल है। एबी कैपिटल है मेरा 157 में 100 शेयर, टाटा स्टील है 135 के भाव पे 300 शेयर, और कुछ डिफेंस के शेयर है मेरे पास जैसे हल भेल बेल ये सब। ओके, तो एबी कैपिटल और टाटा स्टील पर पहले लेते हैं सिद्धार्थ जी। सुशील जी के लिए आपकी राय। देखिए सुशील जी, एबी कैपिटल के नतीजे अच्छे आए थे, आपको बने रहना चाहिए एबी कैपिटल में। मैं मानता हूं कि अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है आपको आने वाले समय में। रही बात टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील बहुत ही बेहतरीन कंपनी है मेटल स्टील में।
और सबसे अव्वल नंबर की कंपनी है, कैपेसिटीज बढ़ाने की योजना, डीलेवरेज करने की योजना, सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से टाटा स्टील भी बेहतर कर सकता है और चाइना के ओपन अप होने पे इसको भी जरूर फायदा मिलेगा। तो टाटा स्टील और दूसरी कंपनी जो है उस दोनों पे ही आपको बने रहना चाहिए। रही बात डिफेंस की, जो आप ले रखे हैं, आपने स्पेसिफाई तो नहीं किया कंपनियों के नाम, बट मैं मानता हूँ कि डिफेंस थीम डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव है। तो डिफेंस थीम भी अट्रैक्टिव बनी हुई है और एबी कैपिटल और टाटा स्टील, इन दोनों में आपको बने रहना है। यह है सुशील जी को सिद्धार्थ जी की राय। अगले कॉलर हमारे मुंबई से जुड़ रहे हैं, राजेंद्र जी। राजेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए सिद्धार्थ जी से अपना सवाल। राजेंद्र जी पूछिए सर अपना सवाल सिद्धार्थ जी से। सर मेरा अदानी विलमार्क और सोना BLW पर सवाल है। मैंने अदानी विलमार्क लिया 90 शेयर 727 के रेट से और सोना BMW लिया है 503 के भाव से 290 शेयर। ऑलराइट सिद्धार्थ जी, राजेंद्र जी के लिए आपकी सलाह दोनों शेयर्स पर। देखिए अदानी विलमार्क पे तो मैं मानता हूँ कि आपको उछाल पे निकल जाने की सलाह है, क्योंकि थोड़ी कमजोरी है और आपको पता ही है कि क्या खबरें चल रही है इसमें। और दूसरी कंपनी सोना BLW अच्छी कंपनी है और मैं मानता हूं कि इसमें ऑटो एनसीबी में अच्छा ट्रैक्शन बिल्ट हो सकता है, आप इस पर भी बने रह सकते हैं 6-12 महीने के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो सोना BLW पे बने रहना है और अदानी पर जो आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है वो भी सिद्धार्थ जी ने आपको बता दी है। चलिए कुछ और सवाल हमारे पास आए हैं, कुछ लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कुछ हमारे पास दूसरे जरियों से भी आए हैं। नितिन पछवाड़े जी का सवाल आया है हमारे पास नवी मुंबई से, थायरो केयर पर ये अपना सवाल भेज रहे हैं। 50 शेयर है इनके पास सिद्धार्थ जी, 640 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। थायरो केयर में नितिन जी को क्या करना चाहिए? देखिए नितिन जी, आप निकल जाए वही बेहतर है थायरो केयर से, क्योंकि अभी डायग्नोस्टिक स्पेस में उतना ट्रैक्शन नहीं हुआ है। आप चाहे वो डॉक्टर लाल की बात करें, थायरो केयर की बात करें, तो मैं मानता हूं आप तो ऊंचे दाम पे लिया है, खैर आपको नुकसान है, बट तो भी मैं कहूंगा कि जब भी उछाल आए, बाजार स्टेबल हो, थोड़े से स्टॉक में उछाल आए तो निकल जाए। इसके बदले आप हॉस्पिटल कंपनियां को क्यों नहीं खरीदते, क्योंकि मैं मानता हूं कि हॉस्पिटल कंपनियां काफी बेहतर कर सकती है हेल्थ केयर कंपनियां जैसे कि मैक्स हेल्थ केयर। तो मैं मानता हूं कि लंबे समय के लिए अगर मैक्स हेल्थ केयर में आप निवेश करें थायरो केयर से निकल के, वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो थायरो केयर पर सिद्धार्थ जी की सलाह, निकल जाएं, थोड़ा सा इंप्रोवाइज करें अपने पोर्टफोलियो को, चाहे तो हॉस्पिटल शेयर्स ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैक्स। आगे बढ़ते हैं, कुलवंत सिंह जी का सवाल है जमशेदपुर से, डीवीज लैब पर 100 शेयर है 4000 का भाव। कुलवंत जी को क्या करना चाहिए सिद्धार्थ जी? सिद्धार्थ जी मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाया। हाँ, कुलवंत जी का सवाल है सिद्धार्थ जी, डीवीज लैब पर 100 शेयर इनके पास 4000 के भाव पर खरीदा इन्होंने, क्या करना चाहिए बलवंत जी को, कुलवंत जी को? देखिए उन्होंने काफी महंगे में खरीदा है, बट मैं अभी भी कहूंगा नतीजे पिछले 2 क्वार्टर से खराब आ रहे हैं और ये कंपनी के खराब आ रहे हैं इसका मतलब यूएस में डेफिनेटली अमेरिका में प्राइसिंग प्रेशर है, प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री बढ़ी हुई है, तो यहाँ पे इस कारण से नतीजे खराब आ रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा पेन आपको और देखना पड़े, पर कंपनी अव्वल नंबर की है। लेकिन नुकसान में तो ऐसे भी बेच के आपको फायदा नहीं है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा 3 से 4 महीने का समय दे, बने रहिए, एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले क्वार्टर का अच्छे नतीजे हो। ओके, तो बने रहने की सलाह डिवीज लैब पर। अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से सीधे लाइव। अनूप जी स्वागत है आपका, पूछे सिद्धार्थ जी से अपना सवाल। हाँ, टाटा पावर का 500 शेयर है 225 के भाव में। 500 शेयर 225 के भाव में, अनूप जी को क्या करना चाहिए सिद्धार्थ जी? देखिए ये भी ऐसी कंपनी है कि पिछले 2-3 क्वार्टर से तिमाही से नतीजे अच्छे नहीं दे रहे, पर मैं अभी यही कहूंगा कि कंपनी बहुत अच्छी है, इस पे आपको थोड़ा सा भरोसा रखने की जरूरत है। थोड़ा सा अगर भरोसा आप 6 महीने का दे, ये परफॉर्मेंस आप दे सकती है, तो टाटा पावर बिल्कुल होल्ड है, बने रही। तो टाटा पावर पर भरोसा रखें, लॉन्ग टर्म नजरिया लेके चलें, 6 महीने के बाद आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, तो बने रहने की सलाह टाटा पर। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिषेक जी स्वागत, पूछिए सिद्धार्थ जी से अपना सवाल। हाँ जी सर, मैं बोले हिंडालको 25 शेयर 485 के रेट पे, और RBNL है 15 शेयर
81.30 पे। ओके, हिंडाल्को रात भी मिलते सिद्धार्थ जी। देखिए हिंडाल्को तो डेफिनेटली होल्ड है, मैं मानता हूँ कि नॉन फेरस स्पेस में ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में, तो हिंडाल्को पे होल्ड रखे। आरवीएनएल भी एक मोमेंटम में है, पर ये मत भूलिएगा कि बजट खत्म हो चुका है, ये सारी कंपनियों में एक बजट पे बहुत अच्छा प्रावधान रहता है रेलवे पे, तो आप एको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखना है, एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके फिर आप होल्ड रख। आरवीएनएल पर भी बता दीजिए सर। अच्छा ओके, दोनों पर बने रहने की सलाह है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष जुड़ रहे हैं। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल सिद्धार्थ जी से। नमस्कार सर, मेरा तो पहला सवाल है कि सिद्धार्थ सर ने अनुपम रसायन बोला था कुछ दिन पहले, तो मेरा 730 पर लिया हुआ अनुपम रसायन, तो उनके रिक्वायरमेंट में मैंने लिया था, अब क्या करना चाहिए? और मेरा लिया हुआ है कि BHEL बेल और बेल भी भारत इलेक्ट्रॉनिक और बेल भी लिया हुआ है, और ITC पर मेरा कि 450 का टारगेट है, इसी साल आ जाएगा। ओके सिद्धार्थ जी, देखिए भारत अनुपम रसायन की बात करें तो अनुपम रसायन बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। सारी केमिकल कंपनियों में कहीं ना कहीं मार्जिन मिस दिख रहे हैं, ये अक्रॉस द बोर्ड केमिकल कंपनियों में दिख रहे हैं, कभी कभी ऐसे क्वार्टर्स आ जाते हैं जहां पे कमजोरी दिख जाती है, बट अनुपम रसायन अच्छी कंपनी, आपको बने रहना चाहिए। ITC भी बहुत बेहतरीन कंपनी है, आपने देखा होगा कि नतीजे भी दमदार रहे हैं, इस पर भी बने रहने की सलाह है, तो ये दोनों ही कंपनियां मुझे लगता है कि काफी बेहतर परफॉर्म कर सकती है आने वाले समय। तो अनुपम रसायन पर बने रहें और ITC पे भी बने रहने की सलाह सिद्धार्थ जी की। हिलाल अहमद इस वक्त हमारे साथ कश्मीर से जुड़ चुके हैं। हिलाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए सिद्धार्थ जी से अपना सवाल। थैंक यू सर। मेरा सवाल सर बैंक ऑफ इंडिया पर है, बैंक ऑफ इंडिया मैंने 96 पर लिया है 4000 शेयर। 96 बैंक ऑफ इंडिया, सिद्धार्थ जी हिलाल अहमद जी को क्या सलाह देंगे बैंक ऑफ इंडिया पर? देखिए बैंकों में बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा उछाल आ चुके थे PSU बैंकिंग स्पेस में, और जरूरी नहीं है कि सारे ही PSU बैंकिंग स्पेस बहुत ही मजबूत और अच्छे नतीजे वाले हो, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा जैसे आपका कॉस्ट या थोड़ा उछाल आए तो इससे निकल जाए, आपको निवेश करना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी देश की तिजोरी, सबसे बड़ी बैंक, SBI पे भरोसा रखें। मैं मानता हूं कि SBI ज्यादा आपको बेटर एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिटर्न्स दे सकता है रादर देन बैंक ऑफ इंडिया। तो हिलाल अहमद साहब मौका मिले तो निकल जाएं BOI से और इम्प्रोवाइज करके SBI में चले आएं, ये है सिद्धार्थ जी की सलाह। जितेंद्र जी हमारे साथ जोधपुर से जुड़ रहे हैं, जितेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। साथी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 100 शेयर है 88 के भाव पर। जी अपना सवाल दोहराएंगे सर। साथी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आई एम सॉरी सिद्धार्थ जी आप सुन पाए क्या? मैं ढंग से सुन नहीं पाया उनका सवाल, मैं समझ नहीं पाया। हमारी टीम अगर बता पाए, जितेंद्र जी का सवाल क्या है अगर मैं अपनी टीम से कहूं एक बार, जितेंद्र जी एक बार प्लीज एक बार फिर से दोहरा दें। साथिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 100 शेयर हैं। ओके आई थिंक ढंग से सुन नहीं पा रहे उनको, चलिए एक बार फिर से उनके पास जाएंगे। फिलहाल नरेंद्र जी का सवाल ले लेते हैं। अच्छा ओके, सातिया इंडस्ट्रीज पे है सवाल इनका। ओके सातिया इंडस्ट्रीज पे सवाल है इनका, क्या सलाह देंगे इस वक्त इनको सिद्धार्थ जी? देखिए इस पे हमारी तो कोई रिपोर्ट या कवरेज या टारगेट वगैरह नहीं है, पर कंपनी अच्छी है, अगर आपको थोड़ा सा लंबा समय दे तो बेहतर हो सकता है, हालांकि मैं बहुत ज्यादा लाइक नहीं दे पाऊंगा ये कंपनी पे। ओके तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको इसके नजरिए के लिए। फिलहाल शुक्रिया जितेंद्र जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। और भाविका हमारे साथ आ गई हैं, मुंबई से इस वक्त जुड़ रही हैं। भाविका जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल भाविका जी। 1000 शेयर बाय है 108 से। कौन सा किस स्टॉक पर आपका सवाल है? BEL पे। ओके BEL पर सवाल है सिद्धार्थ जी। देखिए बहुत ही अच्छी कंपनी है और सबसे बड़ी कंपनी है डिफेंस की, तो बेल पे तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, और जिस हिसाब से अभी पिछले टाइम पे 84,000 करोड़ का जो क्लियरेंस मिला था गवर्नमेंट द्वारा इन टर्म्स ऑफ डिफेंस प्रोजेक्ट्स, तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी BEL ही है। हालांकि अभी थोड़ा सा एक मोमेंटम रुक गया है, ये आप जरूर ऑब्जर्व करते होंगे,
भले ही मोमेंटम रुक गया हो, क्योंकि ये बाजार का भी वीकनेस है, स्टॉक में भी थोड़ी सी मोमेंटम रुकी हुई है, बट कंपनी बहुत ही अच्छी और A1 कैटेगरी की कंपनी है, बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए 6 से 12 महीने। तो भाविका जी के लिए सलाह, BEL पर आपको बने रहना है। सिद्धार्थ जी की यह है राय। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताएंगे। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया साहब हमारे साथ होंगे और समझेंगे ऑप्शन कॉल्स आपके लिए होंगे जो फायदेमंद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। चलिए सिद्धार्थ जी हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ जी, अब दर्शकों के लिए कल के लिए इंट्राडे कॉल दे दीजिए सर। जी बिल्कुल, मैंने जैसे T4 TVS मोटर लॉन्ग टर्म, पोजिशनल T4 टाइटन, शॉर्ट टर्म जो कल परसों के लिए लेना है वो T4 ट्रेंड। ट्रेंड पे खरीदारी की राय है, 1230 के अभी क्लोजिंग होंगे। स्टॉप लॉस आपको रखना है, स्टॉप लॉस आपको रखना है 1210 का, और अगर टारगेट रखना है तो 1275 का। तो ये है ट्रेंड पे राय। पोजिशनली शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि ट्रेंड एक अप्रैल्स की कंपनी इन टर्म्स ऑफ बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती। तो ट्रेंड है सिद्धार्थ जी की सलाह, और 1230 का भाव है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1200 का, और टारगेट आपको रखना है 1275 का। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ बाजार आज और कल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।